इस वीडियो में मैं किसी भी कंपनी या दवाई का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। यह जानकारी केवल किसानों के लिए दे रहा हूँ। अगर आपको इस दवाई का प्रयोग करना है तो करें, अन्यथा ना करें। किसान भाइयों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लोरोपाइरीफॉस 20% इसी फॉर्म वाली कीटनाशक के बारे में। दोस्तों, आपने क्लोरो का नाम सुनना होगा। क्लोरो का उपयोग आप लहसुन और प्याज की फसल में करते हो तो आपको सबसे ज़्यादा क्लोरो का फायदा देखने को मिलता है। दोस्तों, हम इस वीडियो में क्लोरो की पूरी जानकारी के बारे में बात करेंगे। यह कौन सी कंपनी की है, इसके अंदर कौन सा टेक्निकल है, यह कौन सी फसल पर काम करती है और इसकी कार्यविधि, इसके डोज, इसकी कीमत और यह कौन कौन सी फसलों पर उपयोग किया जाता है, यानी पूरी जानकारी के बारे में हम क्लोरोपाइरीफॉस 20% इसी वाली कीटनाशक के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको क्लोरोपाइरीफॉस की पूरी जानकारी इस वीडियो में समझ में आए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रांड नेम के बारे में। ट्राइसेल इसका ब्रांड नेम है, यह सुमिटोमो कंपनी की आती है। दोस्तों, आप किसी भी कंपनी के क्लोरोपाइरीफॉस 20% इसी वाली का प्रयोग कर सकते हो। दोस्तों, इसके अंदर टेक्निकल होता है क्लोरोपाइरीफॉस 20% इसी के फॉर्म में होता है। दोस्तों, आप किसी भी कंपनी की क्लोरो ले सकते हो, उसमें क्लोरोपाइरीफॉस 20% इसी वाला होना चाहिए। दोस्तों, अगर हम इसके कीट की बात करते हैं तो यह दीमक पर सबसे ज़्यादा नियंत्रित करती है। अगर लहसुन और प्याज में अगर दीमक की समस्या हो रही है या जड़ में फंगस लग रही है या जड़ में कीड़ा लग रहा है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो। दोस्तों, क्लोरोपाइरीफॉस यह इसके अलावा अनेक प्रकार के कीटों पर नियंत्रित करती है, जैसा कि एफिड, जेसिड, सफ़ेद मच्छर, थ्रिप्स, मिलीबग, अमेरिकन सुड्डी, तंबाकू सुड्डी, सेमी लुपर इल्ली, फल छेदक, तना छेदक, हरी इल्ली, काली इल्ली, भूरी इल्ली, पत्ता लेपत इल्ली, स्टेम फ्लाई एवं रिंग कटर को यह पूरी तरह से सफाया कर देती हैं। अगर क्लोरो की फसल पर बात करते हैं तो यह कपास, मिर्च, सोयाबीन, मूंग, उड़द, टमाटर, भिंडी, गाजर, गोभी, बैंगन, प्याज, लहसुन, चना, मटर, मक्का, गेहूँ, मेथी, इसके अलावा आप अन्य फसलों पर भी इसका उपयोग कर सकते हो। दोस्तों, अगर इसके कीमत की बात करते हैं तो जो ये आप पैक देख पा रहे हो, ये 500 ml का पैक है जिसकी MRP 254 रुपये दी हुई है। दोस्तों, इसकी कीमत की बात करते हैं तो 1 लीटर आपको प्रति एकड़ आपको इसमें टपकाना चाहिए। दोस्तों, आप इसमें एक सावधानी नोट कर लीजिए कि क्लोरोपाइरीफॉस 20% इसी वाली का आप कभी भी किसी भी फसल पर स्प्रे ना करें। दोस्तों, इसको केवल जमीन में पानी के साथ में चलाना होता है, क्योंकि दोस्तों अगर क्लोरो का आप किसी भी फसल पर स्प्रे करते हो तो वह आपकी फसल की पत्तों को या पत्तियों को जला देती है। इसलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में कदापि यह नहीं कहूँगा कि आप क्लोरो का किसी भी फसल पर स्प्रे करें, केवल इसको आप जमीन में टपका सकते हो। अगर दोस्तों आप स्प्रे करते हो तो इस वीडियो में मैं कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। तो दोस्तों, आप अपनी फसल में एक बार क्लोरो का अवश्य प्रयोग करें। दोस्तों, अधिकतर किसान भाई लोग इस क्लोरो को केवल लहसुन और प्याज की फसल में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कि लहसुन और प्याज में ऊपर कीड़े लग रहे हैं या ज़मीन में किसी प्रकार के कीट का अटैक देखने को मिल रहा है, लहसुन की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, अगर कीट की समस्या आ रही है तो उसके पानी के साथ में प्रति एकड़ 1 लीटर क्लोरो को टपकाते हैं, जिससे उनके कीटों की समस्या समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आप इसको केवल ज़मीन में टपकाना, कभी स्प्रे ना करें। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान, जय किसान।